पिछला कुछ बकाया हो या गलत जगह पर कब्जा कर ले, बट आई थिंक सिंगल विंडो में अगर ये काम होने लगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो नारा दिया जाता है वो एक्चुअली पॉसिबल है। और 6 महीने बिल्कुल लगते हैं, सही कह रहे हैं इनको, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में हमें एक स्कूल बनानी है। यानी जो चीज़ें कही जा रही, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आपने जिक्र किया, सिंगल विंडो सिस्टम का आपने जिक्र किया, तो धरातल पर चीजें उतनी तेजी से कार्य करती हुई नहीं दिख रही हैं जो प्रॉब्लम्स आप भी फेस कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर मुझे में। लगता है कि एक पर्टिकुलर वर्ग है जिसकी वजह से ये इतने सारे रिस्ट्रिक्शन, जो कि गलत काम शायद यू नो शॉर्टकट्स लेते होंगे, पर मैं एक थोड़ा सा कड़वी बात बोलूंगा, आई थिंक डिफिकल्ट हो गया है, और पहले से डिफिकल्ट हो गया है एक व्यक्ति के लिए जो एक स्कूल बनाना चाहता है या एक बिल्डिंग बनाना चाहता है या एक आवास बनाना चाहता है, कि उसको इतनी सारी एनओसीज विदाउट सिंगल विंडो, इट हैज बिकम मोर डिफिकल्ट। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आपकी क्या राय है? आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली, यू नो बहुत दिनों बाद तो पहली बार ऐसा एक गवर्नमेंट आया है जो हमारी शिक्षा प्रणाली को देख रहा है कि ये भारतीय पॉइंट से देखनी जानी चाहिए, प्लस वन आई ऑन आर ओन इंडियन कल्चर, और दूसरी आँख है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो यूएस की, जहाँ पे जाने के लिए लाइन लगती हैं, या यूरोप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ऐसा क्या कर रही हैं। तो एक जो भिक्षण निकल कर आ रहा है, इट इज़ कमेंडेबल। आई होप एप्लीकेशन, देखिए विचार बहुत अच्छा है और कई बार बहुत अच्छे विचार बहुत अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट किए जाते हैं, पर उनकी एप्लीकेशन में दिक्कतें आती हैं, उनकी एप्लीकेशन को उनको कराने में, धरातल पर उतारने में प्रॉब्लम आती है। आई होप ये एक बहुत प्रोग्रेसिव मूव है, एंड आई सिंसियरली बिलीव कि ये जल्दी धरातल पर उतरे और इसका असर मुझे लगता है 3 ईयर्स के अंदर दिखने लगे। ठीक है डावर जी, आपसे मेरा सवाल, अभी शू एक्सपोर्ट का आपने भी जिक्र किया, आगरा विश्व स्तर पर पहचान रखता है शू एक्सपोर्ट में, अभी आगे आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं शू एक्सपोर्ट को लेकर, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ आगरा का, संभावनाएं आगे क्या दिख रही हैं सर? देखिए, आज संभावनाएं इस क्षेत्र में बहुत अधिक हैं। अभी हमारा शेयर मात्र 3% का है, $200 बिलियन की इंडस्ट्री है, जिसमें एक्सपोर्ट में हमारा मात्र $6 बिलियन का अभी योगदान है, और करीब $20 बिलियन की डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, कुल मिलाकर के 26 करोड़। अगर विश्व की दृष्टि से देखें मात्र 3%, तो 97% अभी हमारी प्लेट में है। लगातार हम 12 से 15% की ग्रोथ तक बढ़ रहे थे, अभी बीच में स्टेगनेंसी आई और कोविड के पीरियड में हम लोग काफ़ी नीचे भी गए, 30% से ऊपर गिरा। लेकिन अभी जो 22-23 के आंकड़े देखने में आ रहे हैं कि न केवल 2019 के आंकड़ों को टच करेंगे, जो हमारा 3378 करोड़ का सीधे का निर्यात था जो, और इस बार 4000 करोड़ से ऊपर का करने वाले हैं। अब आगे की ग्रोथ जो है कि पूरा वर्ल्ड जो है अब इंडिया की तरफ देख रहा है कि एक ग्लोबल फैक्ट्री कैसे बने और आगरा फुटवियर में एक ग्लोबल कैपिटल कैसे बने, जो इस समय गुंजाऊ का या शेंजन का जो स्थान अभी तक फुटवियर में है, उसमें आगरा का कैसे स्थान हो, इसमें आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स चैम्बर के माध्यम से और काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के माध्यम से हम लोग ये पहचान आगरा को देने वाले हैं कि वर्ल्ड कैपिटल ऑफ फुटवियर। और अब ग्रोथ हम 5% या 10% की ग्रोथ में नहीं देखने वाले कि हम हर साल 5% बढ़ेंगे 10% बढ़ेंगे, हर 3 साल में इसको दुगना कैसे किया जाए, और ये दुगना होगी क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना से मोह भंग हुआ है और लोग ऑल्टरनेट देख रहे हैं, एवरीबॉडी इज़ लुकिंग फॉर चाइना प्लस वन, एक दूसरा कंट्री उनको कैसे मिले। लोगों का खुद भी फोकस है मेड इन इंडिया पर, खुद भी फोकस है मेड इन इंडिया, और जो इंडिया में का जो इस समय एटमॉस्फेयर बना है जी। जो एक नई छाप बनी है, नई इंडिया की छाप बनी है, जब मोदी जी के नेतृत्व में एक रोज बने हैं एक नए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, री स्किल इंडिया, अप स्किल इंडिया, ये मात्र नारे नहीं है, ये देश को एक बड़ी छलांग ले जाने वाले हैं। एक समय हम नारा लगाया करते थे कि इंकलाब जिंदाबाद या अंग्रेजों भारत छोड़ो, 1857 में लगाना शुरू किया और 1947 में 90 साल बाद हमको उसमें सफलता मिली। अभी हमने जो ये नारा लगाना शुरू किया है मेक इन इंडिया का, स्टार्टअप इंडिया का, स्टैंड अप इंडिया का, डिजिटल इंडिया का, ये निश्चित रूप से आने वाले 20 साल में एक बड़ी छलांग, जो $5 ट्रिलियन की हम बात करते हैं और उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन की बात करते हैं,
और लगातार जो हम देख रहे हैं जो प्रयास उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, ये दूसरी समिट हुई, पहली समिट में 4 लाख करोड़ के MOUs हुए थे, दूसरी समिट में 35 लाख करोड़। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए अभी इन्वेस्टर समिट का आपने जिक्र कर ही दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर एज अ व्यापारी आप किस तरह का माहौल देखते हैं निवेश को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से एक बहुत सुरक्षित वातावरण उत्तर प्रदेश को मिला है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक लंबी छलांग लगाई है। कहाँ आखिरी पायदान पर हुआ करते थे, सेकंड पायदान पर आए हैं, लेकिन पहले पायदान पर आ सकते हैं। जो अभी बघेल साहब ने कहा, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये केवल आवास में नहीं है। आज मुझे उद्योग लगाना है और 13 NOC मुझे 13 विभागों में जाना पड़े। पहले 6 NOC हुआ करते थे, 7 NOC हुआ करते थे, अब और उसमें NOC और बढ़ गए। और ये NOC ये NOC ऑनलाइन नहीं है, ये अभी लखनऊ में भी अभी बिजनेस स्टैंडर्ड का कॉन्क्लेव था, ये प्रश्न वहाँ भी मैंने रखा था। पारदर्शिता लाने की कोशिश हो रही है और जैसा कि उस समय प्रमुख सचिव आवास ने वहाँ बताया कि जो पॉलिसी अगले 1-2 महीने में आने वाली है, मेरे ख्याल से जो हम जो मांग अभी बघेल साहब ने रखी या रखी जो कठिनाइयाँ महसूस कर रहे हैं, वो शायद वो ड्रीम पूरा होने वाला है कि वो आर्किटेक्ट को ही दिया जा रहा है कि आर्किटेक्ट ही कंप्लाइंस को कराएगा। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि ये जो अभी उन्होंने भी समस्या रखी जल्दी ये दूर होगी समस्या। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे भी, आप अपनी बात जरूर रखिएगा, क्योंकि अभी देखिए रियल स्टेट को डेवलप करने में, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आप अच्छी भूमिका जरूर निभा रहे हैं, अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन रियल स्टेट सेक्टर में इन्वेस्टर समिट से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है आपसे कि अगर रियल स्टेट सेक्टर को देखा जाए तो अभी कितनी अपार संभावनाएं आपको नजर आती हैं, इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में रियल स्टेट सेक्टर में हो, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इन्वेस्टर समिट में जब तक हम लोगों को ऑनलाइन NOC की प्रावधान नहीं होगा तब तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और रियल इस्टेट एक ऐसी शाखा है जिससे कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का, पूरे प्रदेश का डेवलपमेंट होता है। एक कॉलोनी डेवलप होने के लिए कम से कम छोटी सी कॉलोनी होगी ना 20,000 मीटर की, तो वो भी 10 करोड़ रुपये 8 करोड़ रुपये डेवलपमेंट चार्ज देता है। और जहाँ का डेवलपमेंट चार्ज जमा होता है उस क्षेत्र का डेवलपमेंट में पैसा लगाते ही नहीं है एक्सटर्नल डेवलपमेंट के नाम पर, वो पैसा कहीं का हमारी कहीं उठ के लग जाता है। तो अब ये प्रॉब्लम जो रियल इस्टेट के डेवलपर्स को आ रही है, वो फाइट कर रहा है, जगह जगह फाइट कर रहा है। हम कई बार मीटिंगों में, कई बार कमिश्नर साहब के मीटिंग में ये क्वेश्चन रखा है कि जिस क्षेत्र का डेवलपमेंट चार्ज आए उस क्षेत्र में डेवलपमेंट होना चाहिए, तो वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज जो जमा होता है उस पैसे को आप वही उसी क्षेत्र में लगाएं। इस मांग पे गौर किया गया क्या अभी तक? नहीं, कई बार बोर्ड बैठक में भी रखा, कई बार क्वेश्चन किए, लेकिन सुनवाई नहीं होती ना, दिक्कत ये है। तब तक रियल इस्टेट के डेवलपर्स की सुनवाई नहीं होगी तब तक जिले का ना प्रदेश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हर प्रदेश का, हर जिले का डेवलपमेंट में बिल्डर का महायोगदान रहता है। बिल्कुल, हर एक वर्ग का ही महायोगदान रहता है। चतुर्वेदी जी, आपसे मेरा सवाल लास्ट, क्या मैसेज आप युवाओं को देना चाहेंगे और साथ ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर क्या आपने बात रखेंगे? विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी मुझे बहुत एक्साइटमेंट लगता है, खासकर आगरा के लिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है और इतनी ज़्यादा सिटीज़ हैं हमारे पर प्रॉपरली, और आज से वो सिटीज़ आज नहीं बने हैं, वो सिटीज़ इंडिपेंडेंस टाइम से भी इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, बनारस, मतलब ओल्ड सिटीज़ हैं हमारे पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के लिए यूपी में एक IIT काफ़ी नहीं है, तो वो दूसरा IIT आगरा, दूसरा एक IIM काफ़ी नहीं है यूपी में, तो है भी नहीं IIM। अगर हम एक ग्राउंड लेवल की अर्थव्यवस्था अगर हम देखते हैं जहां एक चाय वाला, एक रिक्शे वाला, एक ऑटो वाला, सब कुछ लोग प्रभावित होते हैं, तो हमें स्टूडेंट्स चाहिए उत्तर प्रदेश के बाहर के स्टेट से। वो आएंगे, मैंने पूना में पढ़ा है, मैंने वहां देखा है दैट उनकी अर्थव्यवस्था जब सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन से पहले, जब जिससे पहले कि ब्लू चिप कंपनीज वहां पर आई थी, द होल सिटी वॉज रनिंग ऑन यूनिवर्सिटीज एंड डिग्रीज। तो बहुत कुछ हासिल होता है। मेरी अपील है दैट हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आगरा से हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, कि ऐसे बड़े संस्थान एजुकेशन के जो सरकारी हैं वो आगरा में स्थापित किए जाएं, और उसके बाद मुझे युवाओं को कोई संदेश देने की जरूरत है। हम भी उम्मीद करते हैं कि आगरा का स्टूडेंट भी आगरा में ही रहेगा, दिल्ली नहीं जाएगा पढ़ने के लिए, या फिर आउट ऑफ कंट्री नहीं जाएगा, या फिर अदर स्टेट से भी, बिल्कुल आगरा में स्टूडेंट जरूर आएंगे पढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, इस पैनल में शामिल होने के लिए।